मैं जीपी दुबे आप लोगों को आई टी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को झारखंड सरकार उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तकनीकी शिक्षा निदेशालय तृतीय तल योजना भवन नेपाल हाउस कैंपस डोरंडा रांची एट थ्री फोर जीरो जीरो टू झारखंड के प्रकाशित न्यूज जो कि डॉक्टर अरुण कुमार निदेशक तकनीकी शिक्षा उप परीक्षा नियंत्रक संयुक्त झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची द्वारा प्रकाशित समाचार के बारे में मैं विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तथा तो शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो देखिए डिप्लोमा के छात्रों का लेटरल एंट्री के तहत अभियंतरण महाविद्यालयों में नामांकन के संबंध में यह है यानी डिप्लोमा के छात्र जो लेटरल इंट्री के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके संबंध में ये नोटिस निकाला गया है तो देखिए ये नोटिस निकाला गया है इसमें कह रहा है कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर के नामांकन के लिए एलिजिबिलिटी जो रखा है पास्ट डिप्लोमा एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स करा है और फोर्टी परसेंट मार्क्स करा है कि रिजर्व कैंडिडेट के लिए होना चाहिए तो ये एक नोटिस दिया गया है जो कि ये आप देखिए और ये दिया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत सरकार के द्वारा एक नोटिस दिया गया है सर्कुलर दिया गया है जिसमें कड़ाई के सब्जेक्ट दिया है डिप्लोमा स्टूडेंट्स इन बीटेक यानी लेटरल इंट्री एडमिशन के रिगार्डिंग दिया गया है यानी डिप्लोमा का जो स्टूडेंट हैं वो अगर लेटरल एंट्री के थ्रू बी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए एक नोटिस दिया गया है इट हैज़ कम टू द नॉलेज ऑफ ए आई सी टी दैट सम ए आई सी टी इंस्टीट्यूशंस आर रिफ्यूजिंग डिप्लोमा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर लेटरल इंट्री एडमिशन अंडर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज विथ रिस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन ओनली यानी कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज बी टेक में एडमिशन के लिए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के एडमिशन में आना कानी करते हैं उसी संबंध में एक सर्कुलर नोटिस दिया गया है तो ये देखिए इसमें दिया गया है प्रोग्राम है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर यानी लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में बी इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए दिया गया है जिसका ड्यूरेशन थ्री इयर्स होता है और एलिजिबिलिटी जो है पास्ट डिप्लोमा एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स यानी डिप्लोमा में फोर्टी फाइव परसेंट पास नंबर होना चाहिए और रिजर्व कैंडिडेट के लिए फोर्टी परसेंट संबंधित ब्रांच में होना चाहिए नंबर भी दिया है पास बी एस सी डिग्री फ्रॉम ए रिकोनाइज यूनिवर्सिटी एज डिफाइंड बाई यू जी सी विथ ऐटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स यानी उस ब्रांच से संबंधित बी एस सी डिग्री होना चाहिए एंड टेन प्लस टू एग्जामिनेशन विथ एज ए सब्जेक्ट या तो टेन प्लस टू में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए नंबर सी दिया प्रोवाइडेड दैट द सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू बीएससी स्ट्रीम सेल क्लियर द सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम एलॉन्ग विद द सेकेंड ईयर सब्जेक्ट और नंबर डी दिया है ये भी देख लीजिए बी दिया हुआ है और ई e में वोकेशनल स्ट्रीम में जो पास किए उनके लिए भी होगा और नंबर ई e दिया है इन द एवासिटेबल ब्रिज कोर्स जो होता है इफ रिक्वायर्ड सच एज इन मैथमेटिक्स और बेसिक इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्सेज उसके लिए भी है तो ये आप ए के सर्कुलर को देख सकते हैं अब है ये देखिए सीट मैट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर लेटरल एंट्री स्क्रीम एकेडमिक ईयर 2020 हजार यानी <koughs> सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सीट मैट्रिक्स है यानी लेटरल इंट्री के थ्रू जो बीटेक या बी में एडमिशन होता है उससे संबंधित ये नोटिस सीट मैट्रिक्स दिया गया है तो ये देखें बी सिंदरी में केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल सीट फॉर लेटरल इंट्री का केमिकल इंजीनियरिंग में पंद्रह है सिविल इंजीनियरिंग में लेटरल इंट्री थ्रू, थ्रू ग्यारह सीट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सात है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेटरल इंट्री के थ्रू एडमिशन जो है बी बी टेक में बी सीनरी में बारह है और ई ब्रांच में सात सीट है और आई में पाँच सीट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सोलह सीट है मेटलरिकल इंजीनियरिंग में पाँच सीट है माइनिंग इंजीनियरिंग में पाँच सीट है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तेरह सीट यानी वी आई टी में लेटरल एंट्री के थ्रू बी ए बी टेक में एडमिशन के लिए छियानवे सीट है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हजारीबाग में आपका मै मेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तैंतीस सीट है ई सी ब्रांच में अट्ठाईस सीट है सी एस में पच्चीस सीट है और आई टी ब्रांच में बयालीस सीट इसी तरह राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोडरमा में यह 107 सीट है लेटरल लिंट्रिक थ्रू एडमिशन का और सेकंड शिफ्ट में चौवन सीट है नेक्स्ट नंबर चार आता है गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस बोकारो इसमें दो सौ इसमें 200 सौ नंबर पांच आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में 26 सीट खाली है बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक चौरासी सीट खाली है और नीलय एजुकेशनल एजुकेशन ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ठाकुरगांव बुड़मू रांची इसमें छत्तीस सीट खाली है के के कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 125 सीट खाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट खाली है सिविल इंजीनियरिंग में 124 सीट खाली है ई ब्रांच में पैंसठ सीट है और सी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में साठ सीट है यानी टोटल फोर सीट्स खाली है आर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में दो सीट खाली है सी आई टी टाटी सिल्वर रांची में लेटरल इंट्री के थ्रू बी बी टेक में एडमिशन के लिए दो सौ चौरासी सीट खाली है और डी वी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पलामू में ये टोटल अठारह सीट खाली है और मारियालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जमशेदपुर में टोटल दो सौ सात सीट खाली है तो यह सीट मैट्रिक्स दिया गया और इधर इसको ये दिया है दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज दुमका जो कि दुमका में स्थित है इसमें लेटरल एंट्री के थ्रू दो सीट खाली है और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सौ इक्यावन सीट लेटरल इंट्री के थ्रू सीट खाली है और रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में दो सौ पाँच सीट लेटरल इंट्री के थ्रू खाली है तो ये दिया गया देखिए पीएच सीट का भी दिया गया है ये वी सिंदरी में या अदर कॉलेज में भी खाली है ये पी एच सीट ये सीट खाली है तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो या मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के लिए यदि आपने मेरा चैनल आई टी आईकन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल आई टी आईकन को सब्सक्राइब करें धन्यवाद